बात करेंगे कि अगर हमारा वेट बढ़ रहा है, अगर हम ओबेसिटी बढ़ रही है, ओबेस हो रहे हैं, तो हमें उससे बचना क्यों चाहिए। देखिए, होता क्या है कि अगर हमारा मोटापा बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में फैट्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि जो एलडीएल है, एलडीएल जिसको हम बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक होता है एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो एचडीएल और एलडीएल ये दो होते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो एचडीएल है वो हमेशा एलडीएल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो होता क्या है कि हमारा जो एचडीएल होता है वो हेल्प करता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह में फैट जा रहा है उसको जो है हमारे, जैसे हमारा एब्डोमेन हो गया, इस पे लेके आना। और अगर हमारा एलडीएल का लेवल बढ़ेगा तो वो क्या करता है कि हमारे जो ओबेसिटी होती है, मतलब हमारे जो एब्डोमेन पे होती है, उसको ब्लड में लेके जाना। तो इसलिए जो एचडीएल अगर ज़्यादा होगा तो जो ब्लड वेसल्स में जो फैट्स जा रहे होंगे उसको हमारा एचडीएल क्या करेगा, वो लेके आएगा बाहर की साइड पे। तो अगर हमारा, जब हम ओबेस होंगे तो हमारा एलडीएल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एलडीएल अगर हमारा बढ़ रहा है तो ऐसे किसी में क्या होंगे, हार्ट की डिजीज ज़्यादा होने के चांस होंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा फैट होगा वो हमारे ब्लड वेसल्स में जाएगा, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में जाएगा तो मान लीजिए आपकी आर्टरी है, ठीक है। अब इसमें अगर फैट जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे इसमें जो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हमें जो है हाइपरटेंशन की समस्या होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हार्ट की बीमारी होगी। उसके बाद स्ट्रोक, स्ट्रोक भी होगा। स्ट्रोक क्या होगा, जैसे हमारे जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में जाएगा, जो इसमें से हमारे प्लेक्स वगैरह टूटेंगे, कहीं ना कहीं जाके जो है हमारे हार्ट में जाएंगे, तो हार्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से हार्ट से जो है ये आपके ब्रेन में जा सकते हैं, ब्रेन में जो टाउ प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं उनके साथ जो है मिल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रोक कॉज करेगा, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद कुछ कैंसर हैं वो ओबेसिटी की वजह से हो सकते हैं, जैसे इंडोक्राइनल कैंसर हो रहा हो, पैनक्रियाज का कैंसर हो रहा हो, ये सब हो सकते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं, मान लीजिए जब आपका वजन बढ़ेगा तो आप कहीं भी बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश करेंगे। अगर लेटरिन करने बैठे आप जो है, वॉशरूम जा रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हेमराइड्स, कॉन्स्टिपेशन, ये सब समस्याएँ आएंगी। उसके बाद जो है सोएंगे जब आप, तो जो है सोने के टाइम पे भी मतलब जो है सांस फूलना हो गया, ये सब देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं इसमें जो है एक वजन करने का एक क्षमता होती है, ठीक है। अगर हमारे जो घुटने बने हैं वो 60 किलोग्राम के वजन के लिए बने हैं, और उस पर अगर हम 80 kg वजन दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, इस पे जॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। जब प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो समस्या बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद फैटी लीवर डिजीज। फैटी लीवर कब होगा, जब हमारा एलडीएल का लेवल बढ़ेगा, यानी एलडीएल अगर हमारा ज़्यादा होगा एचडीएल से, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे केसेस में जो है समस्या बढ़ेगी, ठीक है, फैटी लीवर बढ़ेगा। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए हमें जो है मोटापे से बचना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।